हेलो एवरीवन मैं हूं डॉक्टर वनिता खन्ना आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वेलकम बैक टू द यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड एक्टिविटी इसमें मैंने आज सिर्फ चार फ्लैश कार्ड्स लिए हैं जैसे आप मैं आपको डिमॉन्सट्रेट कर रही हूं और हर फ्लैश कार्ड के मेरे पास दो दो कॉपीज हैं इसमें हम सिकवेंसिंग सिखाएंगे जिन बच्चों के लिए सीकवेंसिंग मुश्किल होता है या मेमरी चैलेंजेस होते हैं या वर्किंग मेमरी जिनके लिए बहुत चैलेंजिंग होती है उनके लिए एक्टिविटी बहुत अच्छी है तो ये चार जो है क्लैश कार्ड्स सेम कॉपी ये मेरे पास रहेंगे और ये सेकेंड कॉपी आप बच्चे को दे सकते हैं अब मैंने इसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखा है यू नो एंड नाओ आप बच्चे को पूछेंगे कि वो इसको पहले देखेगा जिस सीक्वेंस में आपने इसको रखा है और उसको मेमोराइज़ करेगा और उसके बाद आप इस क्लैश कार्ड्स को अपोजिट फोल्ड करके रख देंगे एंड नाओ यू विल आस्क योर चाइल्ड कि वो उसको उसके बाद जो सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं उस फ्लैश कार्ड्स को सेम सीक्वेंस में लगाएगा नाउ दिस कुड बी डिफिकल्ट इनिशियली तो हम जो है फ्लैश कार्ड्स को जो सीक्वेंस में लगाएंगे वी कैन स्टार्ट विथ टू और मे बी थ्री इज अ वेरी गुड ऑप्शन यू नो थ्री कर सकते हैं एंड देन हम फोर ऐड कर सकते हैं और जैसे जैसे बच्चा करता जाएगा हम फ्लैश कार्ड्स और ऐड करते जाएंगे तो एवरी टाइम जब हम फ्लैश कार्ड्स के सीक्वेंस को देंगे हम फ्लैश कार्ड्स का सीक्वेंस जो है वो बदल देंगे यू you नो know? अब मैं अगर थ्री से आपको डेमॉन्स्ट्रेट करूँ तो इसमें पहले ये है फिर ये और फिर ये और अब मैं इसको छुपा देती हूँ एंड नाउ आई आस्ट द चाइल्ड और वो इसको रखेगा और फिर हम उसको खोल के देखेंगे कि फ्लैश कार्ड कौन सा है सो so, ये मैच हो रहा है अगर ये मैच नहीं हो रहा तो हम बच्चे को और टाइम देंगे टू मेमोराइज़ द सीक्वेंस इस तरह से हम सीक्वेंसिंग जो है थ्रू द यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स बच्चे को सिखा सकते हैं थैंक यू